एक मनुखी गलती का खमियाजा उसकी सजा एक बेजबान नू भुगतनी पई है। एक खेड़दा अपने परिवार के हसदा खेड़दा एक डॉग बैड रिडन हो जाता है, यानी अज दर्द नाल बुरी तरह वो एक बैड ते पिया। आखिर किवें की कारण है ते मनुखी गलती किवें, असी इस वेले चंडीगढ़ दे विच मौजूद हाँ। चंडीगढ़ दे विच तुहानूं दिखाउणे आ कि चौंक आ जिहड़े उन्हां दा निर्माण चल रहा, कई जगह ते चौंक बनाए जा रहे ने, तां इह वी इक चौंक आ जिहड़ा उह बनाया जा रहा सैक्टर 45 जदों मेन रोड ते तुसीं लंघदे आ तां उत्थे इह मेन चौंक आ जिहड़ा इत्थे बनाया जा रहा। हुण तुहानूं पूरी कहानी समझाउणे आ कि आखिर होया की, पिछे तुहानूं इक तस्वीर दिखाउणे आ, ये पिछे तुहानूं कुछ तारां नज़र आ रही ने, हालांकि इन्हां तारां ते हुण थोड़ी थोड़ी टेप लगी है, पर कहिंदे ने कि इह टेप बाद च लगी है। हुण इन्हां तारां दा की संबंध है, की कहानी है, साडे नाल माणिक ने। माणिक तुहानूं इह पूरी जिहड़ी है सिचुएशन है वह दस्सणगे और की वापरिया वह दस्सणगे। माणिक होया की सी, जिस तरह मैं जिक्र किया मनुखी गलती का खमियाजा एक बेजबान नूं भुगतना पिया। बिल्कुल सर, सर मैं जैसे कि अपने रूटीन की तरह अपने डॉग को दो टाइम घुमाने जाता हूँ सर, मैं वैसे ही अपने डॉग को शाम को 8 बजे लेके घुमाने लेके जा रहा था सर। जैसे ही सर मैं वापस आता हूँ तो सर वहाँ क्या देखता हूँ सर, मेरा डॉग वहाँ पे लेट जाता है एकदम नीचे, तो यहाँ पीछे यहाँ पे सर पीछे मैं ऊपर की तरफ से जा रहा था सर, यहाँ से बाइक एक्टिवा सारा कुछ जाता है सर। मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता, मैं क्या हुआ डॉग को, मुझे लगा पता नहीं क्या नहीं सर। जैसे ही मैं एकदम नीचे देखता हूँ मेरे को दिखता है वहाँ पे नंगी तार है करंट की, तो सर वैसे ही मैं एकदम डंडा उठा के वहाँ से अपने डॉग को एकदम अपनी साइड खींचता हूँ, और सर उसके बाद मैं वहाँ से अपना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ हड़बड़ाहट में, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो सर वहाँ पे जाके मुझे पता लगता है मेरे डॉग को शॉक लगा है और सर उसके करके वो पैरालाइज हो चुका है काफ़ी, और सर उसकी नर्व में काफ़ी डैमेज हो चुकी है। वो सर गलती सिर्फ किनकी, बिजली वालों की, ठीक है सर। उसके बाद सर जैसे ही 2-3 दिन सर मैं ट्रीटमेंट पहले करा तो कार्रवाई बाद की बात है, तो सर उसके बाद 3 दिन बाद सर मैं उनकी DDR करवा देता हूँ, जिस तरह जो भी बिजली डिपार्टमेंट है जिसकी गलती है अभी जो चौक निर्माण कर रहा है उसकी, क्योंकि सर उसने प्रॉपर अपना बैरिगेटिंग करनी चाहिए थी, बिजली का कनेक्शन कट रखना चाहिए था, उसके बाद वो बनाओ। और सर बाकी रही बात सर डॉग की, सर मैक्स को कह सकते हैं सर, मैक्स ने मेरी बुराई अपने ऊपर ले लियो सर, वो करंट मुझे भी लग सकता था, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता था, बस सर उसके DDR करा दिए सर, कार्रवाई करवा दी है। अच्छा हुण डॉक्टर की दस्सदे ने, जो तुसीं उहदा हुण चेकअप करवाया, हुण उहनूं दिक्कत की है डॉक्टर की कहिंदे ने? हाँ जी सर, तो डॉक्टर कह रहे हैं एक तो सर उसकी नर्व डैमेज हो गई काफ़ी, तो पैरालाइज हो गई उसकी काफ़ी टांगे, तो सर बाकी उसकी अपना कर रहे हैं मसाज वगैरह करके, काफ़ी ट्रीटमेंट दिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तो चल पड़े दोबारा। बाकी सर पैरालाइज अपनी जगह सर मेन था जो ब्लैडर है सर उसका, वो फट गया अंदर से, तो सर ब्लैडर के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो अब यूरिन की जगह सर उसका ब्लड वहां से बार बार क्लोट हो ही जा रहा है। तो सर मैं देखिए तस्वीरें, शायद मैं बेशक डॉग लवर ना हुआ पर वो देख के मैनू भी जड़ा हैगा घबराहट होंदी है कि, और तुसी ता उन्हों अपने परिवार का मैंबर समझते? बिल्कुल सर, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सर, हमारे घर में सारा कुछ था सर, कभी भी रिश्तेदारी में घूमने जाते हमारे साथ जाता था, कभी भी जाते कभी कोई फंक्शन होता प्रॉपर सर नए मान उसका होता, चाहे पैसे देते हम कोई रिश्तेदार आते हैं 100-500 रुपए प्रॉपर सब उसको देते थे सर। सर पहले फोन करके पूछते थे मैक्स कैसा है, तो सर अब भी पूछ रहे सर उनको क्या बताएं हम सर, वो क्या भुगत रहा है सर, वो मैक्स को ही पता उसके ऊपर क्या बीत रही है। अच्छा जिवें एक परिवार दे विच बच्चे नूं कोई शगन दिंदा तां तुहाडे उस डॉग नूं भी दिंदे लोक? बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर उसका मान तान प्रॉपर करते थे, वेलकम करते, हर साल सर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता था मैं, केक लेके आगे उसके लिए गिफ्ट लेके आता था, प्रॉपर आदमियों की तरह था सर, हमारे लिए तो छोटा बच्चा था सर वो। बिल्कुल सर मैं 25 दिन का छोटा बच्चा लेके आया था, बस सर बहुत प्यारा था। इस टाइम सर इन बिजली वालों ने बुरा हाल कर दिया। अच्छा की कहंदे ने अधिकारी, तुहाडी कोई मीटिंग होई कोई, वो अपनी गलती मनन दे लई तैयार ने? सर अधिकारी सर इतने बेशरम आदमी है, सुनो कोई इस बात का नहीं कि भाई तुमने क्या करा, तुमने किसके साथ क्या गलती हुई है तुमसे और कौन भुगत रहा है उसकी जगह। सर वो आगे से दोष जमाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमने जो करना कर लो, हमारी ऊपर तक पहुंच है, ऊपर तक सेटिंग है। सर सेटिंग क्या होती है मुझे तो इस बात का पता नहीं, कह रहे हमारी ऊपर तक सेटिंग है हम अपने आप देख लेंगे। तो सर कोई नहीं, मैं अपनी कानूनी कार्रवाई अपने कराई है, अपनी कानूनी तरीके से लड़ेंगे बिल्कुल। बाकी सर अच्छा ये मैं सुनया कि तुसी इंटरनेशनल टूर ते भी इनू नाल ले जाने की तैयारी? बिल्कुल 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 सर, अब सर्दियों के बाद हमने सर दुबई जाना था, दुबई का टूर बना रहे थे। तो सर जैसे हम इसको अकेले भी छोड़ के नहीं गए ना हॉस्टल ना कहीं, तो सर मैं इमिग्रेशन ऑफिस का भी गया, तो इसके वैक्सीनेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनवा रहा था कि भैया मैक्स को लेके जाऊंगा, और सर वहाँ पे मैंने फिर व्लॉगिंग भी शुरू करनी है, मैं कह रहा मैक्स को लेके जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में पहली बार होएगा ऐसा। तो सर ये था बस सर, मैक्स तो क्या हम भी नहीं जा सकते सर उसके बिना सर बस। अच्छा एक इस डॉग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇਸ ਡੋਗ ਕੋ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਥਾ ਸਰ, ਉਸਨੇ
रखा था सर, इसके काफ़ी अटैचमेंट है सर इसके साथ। बस सर, बाकी सर बिजली वालों ने बस सर इसकी जिंदगी आज मौत और उसके बीच, वो पूछो ना सर। छोटा भाई आपका चला गया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, तो सर इस करके काफ़ी अटैचमेंट थी बस सर। अच्छा अगे हुण की सोचा तुसी के जे मान लो इत्थे तुहाडी सुनवाई नहीं हुंदी तां अगे किस तरह की इंसाफ की लड़ाई किद्दां कित्थों तक लड़नी है? सर कार्रवाई ऐसी है सर अपनी तरफ से, तो चलो हमने करवा दी है। बाकी सर मैं मेनका गांधी जी हमारा लोकसभा के मेंबर हैं, मैम से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मैम को कहीं भी लगता है मेरे साथ गलत हुआ है तो मैम बिल्कुल आप एक्शन ले, सपोर्ट करें। बाकी सर और भी जो अपने स्टेप होंगे सर बिल्कुल उठाऊंगा मैं अपने तरीके से। तो उस बेजबान लिए इंसाफ मिलन तक तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल सर बिल्कुल, हम लड़ेंगे सर आखिरी दम तक खड़े हैं सर, ऐसी कोई बात थोड़ी है सर। वो भी हमारा मेंबर था सर, जैसे आदमी को करंट लगता है सर उसके लिए हम प्रॉपर कार्रवाई कराएंगे सर। वो अगर खर्चा ले लो एडजस्टमेंट कर लो सर, एडजस्टमेंट हमने किस चीज़ की करनी सर? सर पैसे हमारे पास भगवान की दया से बहुत है सर, हमको पैसे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाओ जो दिला सकते हो आगे। माणिक इंसाफ की लड़ाई एक बेजबान दे लई, क्योंकि वह बेजबान बेशक एक डॉग है पर इन्हां दे परिवार का मैंबर है और वड्डी गल भरा की निशानी है, छोटा भरा इन्हां दा इस दुनिया च नहीं है, तो उसने उसनू लियांदा सी पालिया सी, तो अपने भरा की उस निशानी नू अपने परिवार के एक मैंबर वांग इन्हां ने सांभ के रख्या। तो जिहड़ा उस दे नाल हादसा वापरिया कहिंदे ने कि यह किसी के बच्चे नाल भी वापर सकदा सी, बेशक अज जोर जमाइश एक तरह की चल रही है पर कानूनी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई लड़न का इन्होंने रास्ता चुन लिया, तो इंसाफ मिलन तक यह लड़ाई जारी रहेगी। जेडे डॉग लवर ने वह भली भांत इन्हों के जज्बात इन्हों की इस लड़ाई नू समझ सकते हैं। कैमरामैन जतेंद्र सिद्धू के नाल नपिंदर सिंह बराड़, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।